प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान से शिहाब भाई के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान के बॉर्डर पार कर आते ही उनका किस तरह से स्वागत किया जाएगा, किस तरह से वेलकम किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी आज आपको बताएंगे। और शिहाब बॉर्डर को पार करके जब पाकिस्तान में एंटर होंगे तो उनका किस तरह और कैसे इस्तकबाल किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देखिएगा। प्यारे दोस्तों, आज शिहाब भाई को अपने घर से चले मक्का मदीना का सफर करते हुए 58 दिन हो चुके हैं, यानी शिहाब को लगभग 2 महीने हज के सफर पर पैदल रवाना हुए हो चुके हैं। और अल्लाह ने जो उनकी इज्जत लोगों के दिलों में, उनकी जो मोहब्बत डाली है, उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये ना तो कोई सेलिब्रिटी हैं, ना ही कोई एक्टर हैं, और ना ही तो कोई राजनीतिक नेता हैं, मगर शिहाब ने बस अल्लाह की राह में पैदल हज करने का इरादा किया था। तो अल्लाह ने किस कदर इज्जत अता फरमाई कि जहाँ से गुजर रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग उनका इस्तकबाल के लिए सड़कों पर खड़े हुए नज़र आते हैं। और दोस्तों, जब शिहाब बॉर्डर पार कर पाकिस्तान की सर जमीन पर दाखिल होंगे तो उनके स्वागत के लिए, उनके वेलकम के लिए लोगों ने पहले से ही तैयारियां कर रखी हैं। एक बड़ी तादाद में वहां के पॉलिटिकल लीडर और मजहबी रहनुमा उनका इस्तकबाल करेंगे। शिहाब फिर पाकिस्तान से होते हुए ईरान, इराक, फिर कुवैत की सड़कों से गुजरते हुए सऊदी अरब पहुंच जाएंगे और उनका ये सफर तकरीबन 280 दिन के करीब होगा। दुआ है कि अल्लाह ताला शिहाब भाई के इस सफर में आसानी फरमाए और उनके इस लंबे सफर को आसान फरमाए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं फिर एक नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।